अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है आपका? दोस्तों शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। गाड़ी देखें जी, माशाल्लाह चेक करें जी। हमारे पास जो सबसे पहली गाड़ी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंड क्रूजर जी फ्रंटियर है, 2016 मॉडल 22 की फ्रेश इम्पोर्ट दोस्तों गाड़ी है। वैसे तो यहाँ पर एक विड्स भी खड़ी है, होंडा भी खड़ा है हमारे पास, लेकिन दूसरी गाड़ी जो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर, यह है जी लैंड क्रूजर प्राडो, 17 मॉडल है ये, 21 की इम्पोर्ट है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, TX लिमिटेड है और 7 सीटर गाड़ी है दोस्तों। दोनों ही गाड़ियां बड़ी शानदार हैं और वीडियो बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह, आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, छः छः दिखा लो, कोई गाल नहीं, छः सब्सक्राइब कर लो जी। भाई हंस रहे हैं मेरे पास, मेरे साथ अयाज भाई हंस रहे हैं मुझे देख के, कह रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा रहे हैं आप लोग। तो खैर जी, गाड़ी दिखाते हैं आपको, बताते हैं इसका। सबसे पहले जी दोस्तों, लैंड क्रूजर प्राडो नहीं है ये, जी फ्रंटियर है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, 16 मॉडल 22 की इंपोर्ट। कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त हमें नज़र आ रही है। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त है, कहीं से कोई भी स्क्रैच या कोई भी डेंट्स नज़र नहीं आएंगे, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है। अलॉय रिम आप चेक कर सकते हैं, टायर आप देखें बिल्कुल न्यू टायर नज़र आ रहे हैं, और ये इसका व्यू है जी साइड से भी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है दोस्तों। तो चेक करते हैं अभी हम इसका बैक व्यू, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर जी। तो चेक कर सकते हैं जी आप इसका बैक व्यू भी दोस्तों, गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ है जी, ZX V8। और अब देखते हैं जी हम इसका जो है इंटीरियर, वो है क्या सीन उसका। तो देखें जी आप पहले सबसे तो इसकी जो दरवाज़े की सूरत हाल है वो चेक करें इंटीरियर, और ये जो है ना जी फ्रंटियर, उसके थोड़े सी चीज़ों का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं होता। खैर ये देखें आप, थोड़ा सा रखना भाई इसको, थोड़ा चेक करें दोस्तों। सीट्स इसकी सबसे पहले ये जो डिफरेंट मिलेंगी आपको, ठीक हो गया जी, सीट्स डिफरेंट हैं, और बाकी जो एम्बियंस है इसका वो भी आप देख सकते हैं, गाड़ी का बिल्कुल बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है गियर ट्रांसमिशन है, गियर ट्रांसमिशन बहुत शानदार व्यू आ रहा है। ये सीट अगर आप देखें तो सीट भी आपके सामने बिल्कुल अच्छी है, सनरूफ है जी, एम्बियंस इसमें मुझे ये थोड़ा दाग थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त व्यू इसका गाड़ी का नज़र आ रहा है जी, एम्बियंस जो स्पेशली इसका है जी फ्रंटियर का, ठीक है जी। ये तो हो गया दोस्तों इसका इंटीरियर सारा। अब बाहर से गाड़ी की जो है ना, ये बिल्कुल अभी फ्रेश इंपोर्ट है, अब जाहरी बात है इसमें इंजन तो बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में है, उसके कोई मसले की बात नहीं है, इंजन बिल्कुल बेहतरीन है। तो मैं बताऊँ आपको इसकी डिमांड, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना टाउन मोटर्स के ऊपर, टाउन मोटर्स वाले इसकी जो डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं 3 करोड़ 45 लाख रुपया, 3 करोड़ 45 लाख इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये डिमांड है, जाहिर बात है इसमें कमी बेशी तो डेफिनेटली बात है हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट गाड़ी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये है जी लैंड क्रूजर प्राडो है, 2000, और मैंने आपको बताया था 17 मॉडल है, 21 की ये इम्पोर्ट है, और ब्लैक कलर में TX लिमिटेड, 7 सीटर सनरूफ वाली है, ठीक है जी। फ्रंट से आप देख सकते हैं, फ्रंट बिल्कुल इसका नीट एंड क्लीन है जी, कोई मसला नहीं नज़र आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, इशू कोई भी नहीं है। और इसका जो बोनट है स्पेशली बड़ा बोनट है और बिल्कुल साफ़ है जी, कहीं पे स्क्रैचेस नज़र नहीं आएंगे आपको दोस्तों, टोटली स्क्रैचलेस गाड़ी है। और यहाँ पे इसकी जो है कंडीशन, इसके जो टायर्स हैं अलॉय रिम टायर हैं, बाकी आप साइड से अगर आप देखते हैं इसको तो साइड भी इसका व्यू माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसका आपको बैक से व्यू दे दूँ, तो लें जी दोस्तों आप चेक करें, बैक साइड से भी इसका व्यू आप देख सकते हैं, TX लिमिटेड यहाँ पे है जी आपके सामने, और बाकी जो गाड़ी की लुक है वो माशाल्लाह बहुत शानदार आ रही है, ठीक है जी। इम्पोर्टेड गाड़ी है तो ज़ाहरी बात है लुक तो शानदार आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो है डोर खोल के, तो ये दरवाज़ा हमने दिया खोल जी, दरवाज़े की सूरत आप देखें तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, सील सारी डेफिनेट सी बात है 100% ओके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं एम्बियंस इसका, तो देखें पुश स्टार्ट आपको सबसे पहले नज़र आएगा, और दूसरा यहाँ पे इसकी जो है आप इंटीरियर में अगर आप देखें तो यहाँ पे डैशबोर्ड इसका बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रहा है जी, स्क्रीन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, बड़ी वाली गेयर ट्रांसमिशन ऑब्वियसली बात है जी, ये ऑटोमेटिक है। सीट्स आपके सामने हैं जी, सीट्स बहुत शानदार दोस्तों, और ये वाली सीट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सनरूफ वाली गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है ये, 5 सीटर नहीं है, आपने ये याद रखना है, ओके हो गया दोस्तों। गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में है, गाड़ी तो आपने दिखा दी आपको अंदर से भी बाहर से भी, इंजन क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है तो दोस्तों इंजन की गारंटी मेरी है कि इंजन अच्छा है, इंजन की आपने कोई परवाह नहीं करनी है गारंटी के साथ। अब दोस्तों इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ना यहाँ पर 85,
हाँ जी, 1,85,00,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये टाउन मोटर्स वाले सर कर रहे हैं। आप कहीं मेरा नाम लगा दीजिएगा कि मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ। बहरहाल ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह प्राइस में कमी बेशी हो जाएगी। तो दोस्तों गाड़ियाँ तो और भी काफ़ी सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अंदर भी देखे गाड़ियाँ के पास खड़ी हैं, 2 V8 बाहर अंदर खड़ी हैं। यहाँ पर अगर मैं गाड़ियाँ दिखाऊँ आपको तो माशाल्लाह गाड़ियाँ यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, जैसे कि ये फ्रीड है, ये प्राडो है, साथ में एक और प्राडो है, फिर उसके साथ आगे जाएं वीजल भी खड़ी है एक, और फिर उसके आगे ऑडी भी है। तो दोस्तों इनमें से अगर आप किसी भी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं ना, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हम इस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़रूर उस गाड़ी का रिव्यू करूं। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दुआ में याद ज़रूर रखना आपने यार, दुआएँ बहुत कम करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी।